मार्जिन के लिए वो माहौल भी जब कही है कि उसको बारे अपने साथ में रब्बानी आलम बनकर मौजूद दीजिए रब्बानी आलम बनकर अपनी और कौम की उखरवी फलाह का जामिन बन सके। मगर याद रहे कि किरदार नबूवत की आला मंजिल तक बच्ची और तरबियत के जीने से ही पहुँचा जा सकता है और यही रास्ता जन्नतुल फिरदौस की मंजिल तक ले जा सकता है। अमल में इस आला किसी आला किरदार के रहनुमा हौसलों पेश किए गए जिन्हें अपना कर जिंदगी को मिसाली व बामकसद बनाया जा सकता है। खुद को जहन्नम से बचाकर अच्छी बनाई हुई जन्नत को पाना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हदफ है। जिंदगी में हर लम्हा वर्ग के लिए उसे फरामोश न करें। इखलास के साथ इस्लाह की तरफ लिए हुए दुआओं का इस्तेमाल करें। अपनी जात को इंसानियत के लिए हर लिहाज से सलाहकार रहमत बनाएं। दूसरों की कमजोरी से ज्यादा अपनी खामियों पर नजर रखें और अपने नफ्स के शर से बचने की कोशिश करते हुए अल्लाह से पनाह मांगते रहे। कसरत इस्तेमाल को जिंदगी का दायमी वजीफा बना लें क्योंकि ये सिलसिला ये सुन्नत नबवी है। बामकसद जिंदगी के लिए उस किस्म के जायाने मसलों और बातों से बचें। चुन चुन कर नेकी करें और ढूंढ ढूंढ कर गुनाहों से बचें। इस हैसियत से अपनी जिंदगी का जायजा लेते रहे आज की जिंदगी में कल के मुकाबले में सुधार आया है या कि नहीं। आपको तो देना है इस पर अमल करने की कोशिश करें। इस्लाह उम्मत के सिर्फ अपने घर और खानदान की इस्लाह है। लिहाजा इस पर खुशी तवज्जो दें। उम्मत के पाए जाने वाली एतिकादी अमली और अखलाकी बुराइयों की इस्लाह के लिए हर मुमकिन तदबीर इख्तियार करें। मुआशरे पर हमेशा एहतसाबी नजर रखें। बुराइयों के सर चश्मे को बंद करने बुराइयों को रिवाज देने की भरपूर कोशिश करें। माशरे के अरबाब हर वक्त से अपने ताल्लुक को हमेशा उस्तवार रखें ताकि उनके ताउन से माशरे की इस्लाह की कोशिश की जा सके। उम्मत के सफरों में दरार पैदा करने के बजाय रुबत पैदा करने की कोशिश करें। इख्तलाफ के बावजूद इतिहाद की फिजा को कायम करने की कोशिश करें। मिली इतिहास इस्लाम की बुनियादी तालीम है। आप अपने घर के बकाये बनाना चाहेंगे आवरण नहीं हो सकता। आपने होनी चाहिए इस्लाम के अंदर जो निजी इस्लाम हो उसे बर्बाद कर इस्लाम के बावजूद हम मुतैद रहें। आपको और मेरा किसी भी मसले में इख्तलाफ हो सकता है लेकिन मुसलमान होने के चलते दीनदार होने के चलते एक दूसरे इतना ताल्लुक हो और इसका हमारे दरमियान में खरीद न बन सके इसीलिए इस पहलू पर बहुत ज्यादा जोर देता है। आज उम्मत हमारी पूरी उम्मत इस पोजिशन में आने का सबसे बड़ा जोर क्या है और सब अपने आप को हम समझता है और दूसरे को आपके समझ ये मुसीबत है। हमारे अक्सर मसाइल देखेंगे वक्त आपका मसला नहीं है गलती का मसला है गलती देने का मसला है जिसकी देखा स्वभाव है उसकी कौन स्वभाव है सुंदर सविता का स्वभाव नहीं समझता हूँ आप समझते सुंदर सविता ये नहीं है सुंदर एक दूसरे से दुश्मनी की जरूरत नहीं एक दूसरे से नफरत की जरूरत नहीं एक दूसरे का जो मुतहरा लोग जो बातें बताते हैं उन्हें इस बात इतिहास के साथ काम करना है बर्दाश्त करना। दावत भी है उसके बाद जीने और मरने का हौसला रखें। दावत भी इंसानियत तुम्हारे जन्म से बचाने का मशीन है इसके बारे वतन से सच्ची हमदर्दी और खैर भाई का जज्बा रखें। बारे वतन के आगे अपने कौल के साथ अपने किरदार से दावत पेश करने की कोशिश करें। दावत के दिन के लिए मौके का इंतजार करने के बजाय
भी मौत के अहंकार नाश पैदा करने की कोशिश करें और मैं मुस्लिम खुशबू के सामने मौसम खुशबू में दीन की दावत पेश करें। नौ मुस्लिमों के मसाइल में दिलचस्पी और उन्हें माशरे में अच्छा मुकाम दिलाने की भरपूर कोशिश करें। जैसा कि आप जानते हैं जाना लाल इस्लाम खसूसी तौर पर दस सालों से इस पर्व पर बहुत ज्यादा जोर रहा है और अल्लाह के फजल से इसका नतीजा भी बहुत ही गैर मामूली निकला है। थोड़ी सी मेहनत से ज्यादा मसाई निकल रहे हैं। अब यहाँ देख रहा हूँ मैं यहाँ कितना कुछ होता है, कितनी मेहनत हो रही है, कितने दुआ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो नतज है इससे ज्यादा मसाई निकल रहे हैं, इससे कम से कम खर्च में। तो इसके खुशन हिंदुस्तान का माहौल इस तरह का है, तकरीबन हजार डेढ़ हजार साल से एक कपड़ा उछला हुआ कपड़ा ऑपरेशन के पीछे और तालीम की वजह से माहौल की वजह से रिजर्वेशन की वजह से हर मामले में शांति हो रहा है, महसूस हो रहा है। अब तक जिस मजहब पर हम यकीन रखते थे वो मजहब भोगत न बोले, वो तालीम के बाद पढ़ने के बाद उनको शोर पैदा हुआ है, ये हो रहा है कुछ ना कुछ हमें सोचना चाहिए। इस सोच के चौक पर आप अगर सही चीज पेश करेंगे तो यकीन वो कबूल करेंगे, वो कबूल कर जाए तो आपके लिए उनके दिल में बहुत मुसा पैदा हो जाए। ऐसे हो रहा है और जब तक सरकार से मुलाकात हो रही है तो ये दो अपराध ऐसे ही जो इंतजार करने वाले बच्चे आप तो ऐसे ही आपके पास का इस्तेमाल करें, ये माहौल कभी नहीं था, मुसीबत ये माहौल नहीं था। आप प्लेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, जिससे मुलाकात होती है आपको देते तर्जुमा देते हैं पहली बात पहले की एक्टिविटी कल लेता ही नहीं था, अच्छी बात से चुप हूँ, लेकिन कैसे माहौल बन गया है राजा जी फिकल राजा जी ख्याल के पहुँच के होता है वादा होता है वास्तव में इंतजार में रहते हैं जिए फॉर्म से एक हफ्ते के बाद देंगे जैसे ही एक हफ्ता हुआ पाठ होना है कुरान शरीफ ये कैसे भी नहीं थी इसलिए हमारे मुकाबले में ईश्वर यदा जिंदा है तैयार है। मुराबाद में आमदूर से लेकर जहाँ तक हमें भी याद है ये चर्चा आमदूर से पैर नंबर तक संज्ञान में एक चर्चा आपकी सेवा के लिए तकरीबन 12 है छोटा चर्चा सब तैयार रखे मवाल जो हम माल है इसे फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे आप इस वक्त काम होते हैं कि बाद में थोड़ा और आगे छुपी नहीं हो सकता इसके बड़ी कोजे की जरूरत घर के तौर पर जहाँ है आप ये जानते हैं कि भाई जो कुछ IPS ही हो यहाँ से हो कुछ ही नहीं है आप आपके आसान खिदमत है कम से कम भी सबसे विशेष सबको मैं यहाँ भेजूंगा यहाँ से मतलब जो जहाँ से आप छात्र हैं आपके वहाँ पे ये भी कर सकते हैं मुसलमान है उनकी क्या करेंगे आप कैसे खादी इस्लाम अमली इस्लाम सब लोग कैसे बात की जा सकते हैं ठीक है सब लोग हमें भी याद रखे इतना की जा सकते ठीक नहीं सब लोग इबादत में अच्छे हैं मामला की गलत है सब लोग मामला में अच्छे हैं इबादत में गलत है तो इसलिए उनकी सहायता जरूरी है जो आपकी ताल्लुक आवाम से होंगे उनकी सब कर सकते हैं ताल्लुक की औरत है ऐसा कर सकते हैं से खाली करते हैं अल्लाह सबसे बढ़कर नियमत है
आपके रोजी का तो इंतजाम हो चुका है, अच्छे खासे लोगों के लिए भी हजार रोजी का इंतजाम होना इसमें मतलब नहीं है। तो हम जैसे कर्मियों के लिए कदम कदम से परेशानी है और आपको बगैर किसी इसके इस किस्म की मुलाजमतें मिलेंगी, जिससे आपका ख्याल बहुत नियमित है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आपको आगे बढ़कर जिनका काम करना है अल्लाह को खुश करना है, इस्तेमाल करके जज्बे को फरोग दें और उनका हर मुमकिन तआवुन करें। लंबे तो मनुष्य के बनाने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल करेंगे बुलाव करेंगे कोई शर्त नहीं। आपके अपनी शुरुआत को उठा कर सकते हैं, पड़ोसी के हफ्ते को आप अपना खिदमत होगी, माशरे के जरूरतमंदों मतलब गरीबों यतीमों बेवाओं और मजदूरों की खिदमत दीनी फरीदा समझकर अदा करें। मुस्लिम खिदमत तो करते हैं लेकिन दीनी फरीदा समझ कर नहीं, ये काम खिदमत के अंदाज में करते हैं। अगर आप दीनी फरीदा सोचेंगे तो आप स्वभाव के आप मुस्लिम होंगे। बीमारों की इयादत करें, इलाज मुआलजे में उनका खसूसी तआवुन करें। मुसलमान जान लोग अपने शहर को छोड़कर अपने वतन छोड़ कर रहते हैं, अब आपके साथी हैं उन्हें साथी बनी, उसके अलावा आपके कमरे के कमरे में रहने वाले या आपके पड़ोस में रहने वाले उनमें से बीमार हों और जाकर इयादत करें, उनकी हिम्मत करें, बड़ी हिम्मत होगी। और बेचारा उसकी ये करने वाले कोई नहीं, भाई भाइयों से बहनों से आपके माँ से वो अलग रहता है, हमें गाली लिया तो बहुत अच्छा है लेकिन ये महरूमी है, इस महरूमी के हम करी के जो अच्छा कलीमा तो फिलहाल पेश करेंगे तो मालूम नहीं है। और इस काम के मुताबिक गरीब जरूरतमंदों को खर्च हस्ता दें और गैर सूदी इदारों का हर मुमकिन काम करें। हर जगह गैर सूदी आपकी इलाकों में जो आप बने उसे आपको काउंट करें तो आप अपनी हिम्मत को सशक्त करने के लिए चला सकते हैं। और आप लोग भी जो जिनको शोर है इसका वो भी गैर सूदी वो बेटर मालों गैर सूदी को विचार है उनके काउंट नहीं करेंगे तो क्या कर सकेंगे वो लोग। जीनी वो हवाई इदारों और तंजीमों से राह भी बढ़ाए और खैर की दुनिया पहले एक बार काउंट करें। आपके शहर में भी मुख्तलिफ किस्म के तंजुमने होंगे, मुकामी फलाई इदारे होंगे और आप यहाँ भी इस किस्म के फलाई इदारे होंगे, उसको बच्चों को अच्छा है आप अपना काउन पास करें। आपके सारी पैसे नहीं क्या जरूरत है उसके अंदर सारे पैसे मौका होगा, आप पचीस कीजिए अपनी पचीस से उसका काउन होगा, उसके बातों से उसका काउन होगा, जब आप काउन करेंगे आपके बातों में भी सुनने के लिए तैयार होंगे। आप अपना पैगाम पहुँचाइए, इंतजार का पैगाम पहुँचाइए, इतिहास की किताब का पैगाम पहुँचाए, कोई चीज वर्ष नहीं चलती गाड़ी पूरे होना आपके तरफ से भी कुछ होगा उनके तरफ से भी कुछ होगा, यही काम हो सकता है। जिनकी कमाई का जिसकी तरह हिम्मत से करते हुए राजीवन अपनी कमाई का हिस्सा कमाए काम सरकार और खैरात के सिलसिले में लंबी चोरी तो नहीं पड़ते हैं लेकिन खुद खर्च करने में बहुत ही चीजें हैं। आप आगे बढ़ करना जहाँ भी कर सकते हैं आप और अपने वतन में भी दुकानों अफराद आपके इसके मुस्तैद हैं, आपके खिदमत के मुस्तैद हैं, आप सेहत के मुस्तैद हैं, खर्च करने के इंतजाम कीजिए। बहुत सी जमा तो आप एग्जैक्ट पाओ जहाँ बैठे हैं लेकिन बराबर उनको समझा जाता हो इतना जीवन को जलता से इतना पहुँचा दें, इतना जीवन को इतना पहुँचा दें, सबका प्यारा पैसा ही है, मतलब का हिस्सा बराबर इतना है इसमें तो भी इस्तेमाल है बड़े बड़े काम हो रहे हैं बड़े छोटे काम नहीं। अब देखिए कंपनी के जो छोटे बिकते हैं उसके उसकी कीमत से लेकर उसके मतलब ऐसे बाकायदा एम्बुलेंस खरीदे दवाएं चलती हैं रात दिन खिदमत करते हैं साल भर खिदमत करते हैं और ऐसे दवा उधर दे रहे थे
इसमें दोनों दोनों से विकास करेंगे बहुत कुछ होता है। इसके बाद जो अहम चीज ये है ठीक है, इसमें ना मैं एक छोटा में पहली जो होगी ये तमाम चीजों करने के लिए आपको क्या करना है, ये असम पहले आपको यहाँ के जो पश्चिम वाला का मामला है वो भी मुश्किल से बढ़कर होता हो बहुत परेशान कर रहे हैं जो आप प्रदान दें सर्टिफिकेट रखे तो ये हिसाब बहुत हम इसमें आप पब्लिक शादी जिसके सिलसिले में तालीमा सुनन मुअक्कदा के साथ नमाजों की पाबंदी ये बहुत महंगी बात है। हम उलमा इकराम में और जिंदगी दीनी माहौल में गुजरी है लेकिन बदकिस्मती से हमारे गाँव से पूछा है कई बीसों अफराद का गुजरे गाँव जिसमें की नमाज की पाबंदी नहीं बल्कि जमात की बात नमाज पढ़ते हैं कोई 7 बजे नमाज पढ़ता है कोई 8 बजे नमाज पढ़ता है कोई 6 बजे नमाज पढ़ता है ये नहीं जिंदगी में इस तरह की सुंदर तो माफ नहीं करेगा और एक दिन हो जाए तो यकीन माफी के बाद इस तरह आपको हक करना है कि तहकीके तालीमा और सुनन मुअक्कदा के साथ नमाजों की पाबंदी और सुनन मुअक्कदा की पाबंदी करेंगे लाजमी तौर पर सारी सबों में पाबंदी आ जाएगी लाजमी तौर पर तहकीमा की पाबंदी आ जाएगी लाजमी तौर पर दुआओं का एहतमाम होगा होगा इसके साथ करेंगे आप इसलिए आपको हक होना है के साथ देखूंगा अलगत नहीं काम चलाओ नहीं सुबह शाम के अस्कार और मुख्तलिफ सौकात की दुआओं का एहतमाम सुबह स्नान की व्यवस्था है नमाज के सुबह की नमाज के बाद और मंदिर के बाद जो है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर में व्यवस्था है उसका एहतमाम करो। ये नहीं कहता नहीं कि आप ये भी पाबंदी हो तो आप लाजमी तौर पर मुसल में बैठ कर आप एहतमाम करें अपने काम पे आ जाए इसके साथ कीजिए और सुबह में तो काम नहीं होता जिस जमीन के लिए यकीन मुसल में बैठकर मैंने जिस जमी होती लेकिन वो उसके इसमें की बात है हमारे के बाद हमारे काम खत्म हो जाएगा काम दे आप मरीज के बाद भी कर सकते हैं जिंदगी के साथ दूसरे में बैठ नहीं कर सकते आपका काम मरीज के बाद शुरू होता है आप नहीं कर सकते लेकिन आपके दिल में होना चाहिए शांत ये होना चाहिए आप इसके बजाय अस्कार का अवसर है मरीज से लेकर रात की एक तक भी वो यही है मसाई है अब जब भी आप मौका में बैठ को आराम कीजिए आपके ध्यान में होना चाहिए बाजी में जो कौन से करना है सोने से कबल अस्तारे मुसन्नत का एहतमाम और बावजूद सोया करें उसे के उस रसूल की तरफ से सही हदीस है बुखारी और मुस्लिम में सब पढ़ रही है कि आप बावजूद सोया करते थे जब अल्लाह की आप सुन्नत और पाबंदी के लिए हाथ करते हैं दावा भी करते हैं तो छोटी छोटी सूरतें बगैर किसी तकलीफ के कर सकते हैं ये तैयारी करता है बड़े बड़े सुन्नत का अदा करने के लिए किसी की रोटी सुन्नत का अदा करना बहुत जरूरी है नमाज तहज्जुद का एहतमाम करें और दुआ और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें नमाज तहज्जुद इंशाअल्लाह आप शुरू करेंगे ना आपकी जिंदगी में नूर आएगा ये अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी सुन्नत नबी से ताल्लुक पैदा होगा इसकी वजह से आपका रुझान तो दुआओं की तरफ होगा और दुआओं की जब कसरत होगी यकीनन आपकी जिंदगी में सही पर आ जाएगा सही पर मस्जिद में सही पहलू से सोचने का मतलब हर काम में
बताएगा कि दोनों होता है। आप भी नवाफिल की पाबंदी के लिए कम जोर देते हैं उलमा किराम, इसलिए नवाफिल की जो पाबंदी करता है आदमी फर्ज की पाबंदी करेगा ही, नवाफिल नहीं करेगा ना, इससे नवाफिल की पाबंदी का बड़ा फायदा क्या होता है, ये जो फर्ज की पाबंदी में जो कमी होती है यकीन कमी नहीं होगी, आपकी पूरी तौर पर फर्ज पर भी होगी। रोजाना तदब्बुर के साथ तिलावत कुरान मजीद की पाबंदी करें और उसके लिए कोई वक्त खास कर लें, ऐसे ही हम करेंगे तो काम नहीं होगा। हम कुछ आपको चाहिए सिर्फ पाव घंटा, लंबे चौड़ा नहीं है, पाव घंटा में कुरान शरीफ की तिलावत पूरे तदब्बुर के साथ करूँगा। यकीनन आप तर्जुमा जानते हैं लेकिन सिर्फ तर्जुमे से काम नहीं चलेगा, आपको तस्वीर की मदद लेनी पड़ेगी, उसके बुनियाद पर तस्वीर के साथ कुरान शरीफ का मुताला करेगा पाव घंटा आधा घंटा, आपकी जिंदगी में एक इंसान बन जाए। कुरान करीम जिस तरह आपको बनाना चाहता है इस तरह करने की कोशिश करें और मुताला कुरान शरीफ का मुताला इस तरह करें, तलावत इस तरह करें, अल्लाह ताला हमसे खिताब कर रहा है, नबी से खिताब कर रहा है, या अय्युह लज़ीन आमनू कुनू मुझे बात से दिक्कत नहीं करना है, ये अगर पहला आ जाए ना तो हकीकत में तिलावत का जो फायदा है तिलावत में तिलावत ईमानी है तो आप हासिल हो किताबों का मुताबिक रोशनी में अमली नक्शा बनाए बस के नफ्स के मुताबिक जो है ना उस पर जो किताबें हैं छोटी 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 किताबें बहुत से लोग किताबें अगर मुताल करेंगे तो आपको यकीन है उसको डाउनलोड मिसाल के तौर पर अभी मैं ये तकरीबन 700-750 लेकिन जो भी पढ़ा मुतर्स हुआ और ज्यादा राय से बाद में छाया कर गए उसमें तो भी क्या है कुछ उनके मुराद का क्या नाम है गुलाम मुराद का बातें पेश करती हुई तरतीब के साथ तो हजी तो कुरान हजी से होती है और उनकी जबान इतनी दिलचस्प है छोटा नहीं था शुरू करने के बाद उसका ये इसका खत्म कर ये है इससे इस तरह की किताब है इस तरह की बहुत सी किताब है सब से भी दुश्मन की किताब है जहाँ मुसलमान है उसमें जो वाक्य समय पहली बार क्या है इस तरह के वाक्य जहाँ बन जाते हैं सब गैर मोहताज तरीके से गैर मुसलमान वाक्यात को नफर कर देते हैं लेकिन उन्होंने कैसे कोशिश किया हमारे अपने जिंदगी में देखते हैं बहुत से वक्त की अमल करने के नजरिया क्या होता है ये बहुत करते हैं तो बहुत ही गैर मामूली होता है बड़ी शौकत जीनो दुनिया को बिगा देती है इससे खुली तौर पर सुनना पड़े आपके बड़े गहरे दोस्त हैं लेकिन उनकी जबान पर गालियां चली हुई हैं आप हो सकता है कि बचपन से दोस्त हों आपके हमदर्द हों वो आप भी उनके हमदर्द हों लेकिन उनकी शौकत के साथ आप नहीं कर सकते आपके मूवमेंट हैं बहुत अच्छे हैं आपके हर उसमें हैं लेकिन गलत प्रवर्तन के शिकार हैं मत क्या करेंगे आप और टीवी देखने के आदि हैं और तब तक आप शिकायत करेंगे बताइए इस किस्म के गलत प्रभाव से इस रोबत ही इंसान में बिगाड़ते सबसे बड़े के इंसान बनाने वाली चीज बेहतरीन सोबत है बेहतरीन सोबत को नसीब नहीं है तो बचना चाहिए ना और जब बड़े सोबत से आना चाहिए आपको
वैसी सौगत भी आपको नसीब हो जाएगी। आपके साथ से कुछ खर्चे होंगे तो आप किसका करेंगे, उनकी से बुराई देखिए तो आप उनकी इच्छा करेंगे, आपसे कोई बुराई देखिए तो वो आपकी इच्छा करेंगे, सबके साथ करनी चाहिए। ये तो उनकी सौगत इख्तियार करें और वक्तन तो वक्तन उनसे रहनुमाई लेते रहें। चल बातें ये हैं कि अगर इन चीजों को आप नोट कर लें तो बकायदा ऐसे क्या कहना चाहिए नकल कर लें उसमें लेकिन यहाँ जाने में बड़ी पेरेंट्स है फिर आप बड़ी तदाबीर जो है वो आपको बहुत अहम चीज है उस चीज में अमली तदाबीर हिस्सा आपके यह करना है दूसरे टूर्नामेंट को ध्यान नहीं दिए साइलेंस और जिंदगी का मसला है। ये आपको बोलने का नहीं मेरे बोलने का नहीं आखिरत का मसला है, मेरा आखिरत को नहीं संभालना है, दूसरे संभाल नहीं सकते। तो आपका क्या ख्याल है स्वामी चुनाव दूसरे में आप बोलना क्या है स्वास्थ्य धंधा में बात कीजिए जो बात सुने हैं बंद कर इसलिए लेकिन होनी चाहिए नोट करने के बाद मैं बड़ा हूँ क्या मतलब कोई छोटे ही दीजिए और दूसरे आप उस क्या कर रहे के साथ बताइए बताए क्या कर रहे हैं आप तकरीबन चीजें वही है जो तकरीबन चीजें वही है जो मेरे अपने तमाम और मैं वक्तन फोक्तन कोशिश करता हूँ उनको करने की लेकिन ये तस्वीर के तौर पर अगर इसको रखते हैं तो काफी अच्छी चीज है कि याद ना चाहिए जो बातें हैं अगर इस पर जी जो बातें इसमें हैं बहुत सी चीजें इसमें आ गई अगर इसको मद्देनजर रखकर इस पर अमल करेंगे तो बहुत अच्छा है इंशाल्लाह रहमान कोशिश मुझे हमेशा अपने पास रखते हैं मुताला करते रहे और अपने वो ये है अब आपका दिल इस चीज से नरम हुआ है तमाम लोगों का मेरा एहसास ये है क्योंकि करने का काम ये तो है लेकिन ये काम ऐसा है उसी का काम है तो इसकी नियुक्ति क्यों होना है ये नहीं हम गलत क्यों करेंगे नहीं होता है आज नहीं तो कभी नहीं अगर आपने हिम्मत की और इस सिलसिले में ये कानून क्या है तो बेहतर सवाल यह है कि आप दो रकअत नमाज पढ़ें अल्लाह से तौफीक पर रखते हैं इन कामों को तमाम काम करने की तौफीक पर रखते हैं इख़लास के साथ और जब आप कर रहे हैं तो आपके आप और अल्लाह के दरमियान तो कोई नहीं कोई तो नहीं आप किसी के सामने नहीं कर रहे जमाती तौर पर नहीं कर रहे ये नहीं कर रहे तो इसमें यकीनन आपको अल्लाह ताला तौफीक देगा और तौफीक मांगने के बावजूद अल्लाह ताला आपको बड़ी किसी शहर से महरूम नहीं करेगा मैं क्या ख्याल है आपको अभी आज ही के बाद या सोने से पहले आपको ये करना है
कि भाई इसके सिलसिले में मैं अल्लाह को भाई तोहफे बता दूँ, मेरी जिंदगी में ऐसी तब्दीली ला कि मुझे जन्नत को मैं मुफ्त हो गया, ऐसी तब्दीली ला कि मेरे सारे जन्म पर अच्छे से समय बता दूँ। मकसद क्या है? हर इंसान में क्या है? दोस्त नारे जन्म से बता दिया गया और जन्म से बता दिया गया तो कामयाब हो, तो दुनिया में कामयाब नहीं है, कामयाब भी हासिल करने के लिए जबान में इरादे की जरूरत है, अल्लाह का हाल करता है। ये इबादत और हमें जो मामला है जो जहर की नमाज में हम सुनना छोड़ देंगे तो असल की दमा तार्किक छूट जाए, अगर जहर की नमाज में रमजान छूट जाए, अगर सुनना छूट जाए अपने लेंगे बाद में कर लेंगे फलाम में, तो आप असर की उसी नसर की नमाज में इसका असर होता है। क्या होगा? पूरे इरादे के बावजूद भी आप अगले तरीके में शरीक नहीं हो सकेंगे, इतना कुछ ऐसे हो जाए। अभी सच्चे तरीके में शरीक नहीं हुए तो पूरी नमाज भी मुतासर हो, इसलिए हम तो यह में एक्सपर्ट पढ़ ही रहे हैं तो नमाज में पहले शब्द में पहले तरीक माँ के इमाम के साथ पहले के साथ और पूरे खुशबू खुद की कोशिश करेंगे और खुशबू खुद की कोशिश करेंगे। इसलिए इस पहलु को ज्यादा बोल रहा हूँ कि हमसे इस पहलु से बहुत कमजोरी हो रही, नमाज भी पढ़ रही है रोजा भी रख रही है लेकिन जिस एहतमाम की जरूरत है इबादत के लिए वो एहतमाम उससे जवाब की करें। और अभी महसूस करते हैं ना क्या कह रहे भाई, मैं नहीं कहता हो सकता है मेरा एक गुलाम हो और आपकी जिंदगी उससे बेहतर हो तो खुशी की बात, यानी कि भाई मेरा तो गुमान वैसे ही सबकी जिंदगी ऐसा नहीं, गुमान ही तो आपका आपकी जिंदगी ऐसा है इसके हम बहुत आगे बढ़ा ये मौजूद अच्छा है बार बार याद ध्यानी दो होती है आप मुझे तो ना सकते हैं कि आप लोग मिल बैठ कर इस पर बार बार सोचते रहे हैं ध्यानी होते रहे इतना होता रहे आपके पास तो इस्तेमाल पर गौर करने के लिए आप महीने में एक कुछ उसमें खाना पीना और अपने पर रखिए, हो सकता है अगर दूसरे हैं तो घर पर बना लीजिए, अगर लक्ष्मी बनाने को बोलते हैं लक्ष्मी को चार आदमी मिलकर इस तरह से बोलते हैं ये किस फायदा हो उसमें खाना से सीने से वही बात करें वो नहीं सीने दुनिया की बात नहीं हर सब एक दूसरे के साथ कमजोरी महसूस कर रहा हूँ सुनने के बाद तस्वीर जो वादे आए हैं सबसे पहले इसको एक दो बार हर एक को करना अपने हस्ते बहुत कम भूख हो मामला हो इबादत।